खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जनाब, तो आज आपके सामने मैं एक और रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं आज बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल हमबर्गर्स, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपली घर में जो है वो बन जाते हैं और मैंने कहा कि आज मूड हो रहा था तो चलो बनाते हैं और आपके साथ भी इसको शेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बेसिकली जो इसकी टिक्की है, टिक्की तो बेसिकली लाइक जो पैटी, लाइक पैटी आप चाहें तो बीफ का भी बना सकते हैं, मैं आज चिकन का बना रही हूँ, आपकी मर्जी है, जैसा फ्लेवर आपको पसंद है आप जो है वो वैसा बिल्कुल बना सकते हैं। मैं जो है वो आज चिकन में बना रही हूँ, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर जो चिकन का थाई एरिया होता है उसका मैंने कीमा कर लिया था, मोटा हाथ का कीमा मैंने बनवा लिया था। अभी मैं इसको चॉपर में दोबारा से चॉप करूँगी, ठीक है, ताकि वो अच्छे से फाइन हो जाए और अच्छे से मुझे पैटी बनाने में आसानी हो। थाई वाला एरिया मैंने लिया हुआ है, इसका कीमा ले लूँगी मैं आधा किलो, मैंने ये लिया है। और बहुत ही मैं पैटी में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रही हूँ और मैं पैटी में कम ही इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। और ये जो है वो काफ़ी चीज़ी सा, और हम इसमें जो है वो वेजिटेबल्स भी डालेंगे। मैंने इसमें जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने प्याज भी लिया हुआ है और मैंने जो बंद गोभी है वो भी मैंने श्रेड की हुई है। आप लोगों को वो मिले, आइसबर्ग मिले ना, तो आप लोग डेफिनेटली वही यूज़ कीजिएगा। मैंने पता की पर मुझे मिली नहीं तो मैंने बंद गोभी का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप आइसबर्ग इस्तेमाल करेंगे अब बर्गर में तो वो ज़्यादा क्रंची लगेगा और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये वेजिटेबल्स जो है वो इसमें शामिल कर रहे हैं अपने बर्गर में, साथ हम चीज़ भी डालेंगे। सबसे पहले हम पैटी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने इसमें कीमा डाल दिया है, अब मैं इस कीमे में साथ डाल रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास है पार्सले, ड्राइड पार्सले है मेरे पास, और मैं इसमें ये खुला हुआ नहीं है, मैं इसको पहले खोल लेती हूँ और मैं जो है वो इसमें ड्राइड पार्सले जो है वो शामिल करूँगी। और इसमें स्पाइसेस बहुत ही मैं कम डाल लूँगी, और एक्चुअली ये मुझे पहले खोलना चाहिए था बट मुझे पता नहीं था कि ये अंदर से सील है जी। तो मैं इसमें ड्राइड पार्सले जो है वो शामिल कर रही हूँ, लाइक ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून के जितना, ठीक है। एक अच्छा सा फ्लेवर देगा इसको, और साथ ही मैं इसमें जो है वो नमक शामिल करूँगी, लाइक मैं 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शामिल कीजिए। और साथ ही मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1/2 टीस्पून, ठीक है। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो भी मैंने 1/2 टीस्पून ही लिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही मैं ऐसा करती हूँ, इसको मैंने इसमें ना एक अंडा भी शामिल करना है, ठीक है। और मैं अब पहले इसको चला लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा लाइक चल के थोड़ा नीचे बैठ जाए, फिर मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके अंडा भी शामिल करूँगी, ठीक है। चले, अंडा भी निकाल लिया, अंडा भी इसमें डालते हैं, इसको अच्छे से हम लोग चॉप कर लेते हैं और अच्छा से मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेते हैं जी। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब सिंपल मैंने क्या करना है कि हाथों पे हल्का सा मैं ऑयल लगा लूँगी, ठीक है, हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और मैंने इसको लेना है और सिंपल मैंने इसका पैटी बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से मैं ये सारे पैटी, कोई इसको स्पेसिफिक शेप देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये बर्गर के अंदर ही जाना है और आपको पता है कि ये इररेगुलर शेप के ही होते हैं पैटी, ठीक है। अच्छा, पतला रखिएगा इसको ताकि ये कुक होने में ईजी हो, ठीक है। और थाई एरिया है, आपको पता है जल्दी से ही कुक हो जाएगा। सिंपल मैंने क्या करना है, इस तरीके से ये सारे मैं शेप दे दूंगी और मैं इनको फटाफट से ग्रिल कर लेती हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, 5 से 7 मिनट में ये कुक हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल मैंने ग्रिल पैन में ऑयल डालना है और इन सबको मैं ग्रिल करके जल्दी से कुक कर लेती हूँ जी। तो जनाब, जब तक हमारे पैटी जो है वो कुक हो रहे हैं, ग्रिल हो रहे हैं, मैं क्या कर लेती हूँ, सॉस रेडी कर लेती हूँ जो हमने अपने बर्गर्स में डालनी है। सिंपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लाइक 2 to 2.5 स्पून मैंने मेयोनीज लिया हुआ है और इसमें मैं बिल्कुल ही थोड़ा सा शामिल करने लगी हूँ मस्टर्ड पेस्ट। आप चाहें तो सिर्फ मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे तो वो एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर हो जाएगा। आप ये देखिए, मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया, तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने सॉस रेडी कर लिया जो हम अपने बर्गर्स में लगाएंगे, सही है। और साथ ही मैं क्या कर लेती हूँ कि मैं बर्गर्स जो हैं इनके दोनों साइड्स पर मैं बटर लगा लेती हूँ, क्योंकि हमने इन बंस को भी ग्रिल करना है, तो बटर लगा के ग्रिल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से टेस्टफुल होंगे और वो होंगे। अच्छा, ये जो पैटी है ये भी ये बनाकर आप डेफिनेटली इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, फिर जैसे सुबह के टाइम आप बच्चों को लंच में बना के दे दें बर्गर्स, ठीक है, तो फटाफट बस आपने फ्रीज़र में से निकाला और झटपट आपने बर्गर बना के तो उनके लंच बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर शाम को फॉर एग्जांपल भूख लगती है तो मलाई की पैटी बने हुए होते हैं तो बड़ा जो है वो इजी हो जाता है आप हम लोगों के लिए कि बस हम लोगों ने निकाला और वो। और ये बिल्कुल ही देखें, इसमें बिल्कुल ही चंद ही इंग्रेडिएंट्स मैंने पैटी में ऐड किए हैं, कुछ ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डाले कि बहुत ही ज़्यादा कोई मेहनत लग रही है, कोई बहुत मुश्किल हो रहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी बर्गर जो है वो देख सकते हैं आप लोग खड़े खड़े, अब देखिए मैंने जल्दी से फटाफट अपने पैटी रेडी की, अब वो ग्रिल हो रहे हैं तो साथ में ये वाला काम हो रहा है, ठीक है। तो ये झटपट जो है वो बन जाते हैं, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते। मैं इसी तरीके से सब पे लगा लेती हूँ और जब तक जो है वो पैटी भी हमारे रेडी हो जाते हैं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बर्गर्स के दोनों साइड्स पर बटर लगा लिया है और यहाँ पर आप ये देखें कि हमारे पैटी बन के तैयार हो गई हैं। ये देखें कितने मज़े से और ये कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं, वेरी वेरी टेंडर्ड एंड वेरी जूसी और वेरी डिलीशियस एज वेल। थाई के कीमे से ही बनाइएगा क्योंकि ये इसी से ही आपको जूसी रिजल्ट मिलेगा। अब मैंने क्या करना है, बर्गर्स को मैंने टोस्ट कर लेना है, लेकिन मैंने सिर्फ इनका जिस जहाँ पे बटर मैंने लगाया ना, मैंने सिर्फ इस एरिया को टोस्ट करना है, इस वाले एरिया को मैंने नहीं करना, ठीक है। मैं सिर्फ अंदर वाले पार्ट पे जिस पे मैंने बटर लगाया मैं फटाफट इनको टोस्ट कर लेती हूँ, फिर हम इनकी असेंबलिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको लास्ट में दोबारा आउटर साइड से जो है वो ग्रिल करेंगे, क्योंकि हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे तो वो दोबारा करेंगे तो चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा इससे जी। तो जनाब सारी चीज़ें जो है वो रेडी हैं और अब हम लोग फटाफट से इसको असेंबल कर लेते हैं। सिंपली जो है वो क्या करना है हमने कि इनका जो लोअर पार्ट है बंस का वो हम अलग ले लेंगे, अच्छे से मैंने ग्रिल कर लिए हैं। अच्छा, ये लोअर पार्ट्स हैं, ठीक है। अब सिंपल मैंने इस पे सॉस लगानी है, ठीक है, बहुत ही डिलीशियस, आप लोग फील कर सकते होंगे कि ये कितने यमी जूसी जो है वो रेडी होने वाले हैं। सिंपली मैंने इसमें रखना है अनियन, आप लोग ये अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, जो चीज़ पसंद है रखिए, जो चीज़ नहीं पसंद आप लोग ऑब्वियसली उसको हटा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बंद गोभी रख रही हूँ, आपको मैंने पहले भी कहा अगर आपको जो है वो आइसबर्ग मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वो यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा क्रंच आता है, ठीक है। ये मैंने टमाटर इसमें रख दिए, ठीक है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये अपना पैटी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें पसंद है तो आप यहाँ पर डबल लेयर चीज़ की रख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अगर आप लोगों को मेरी तरह मीडियम चीज़ ही पसंद है तो आपको सिंगल लेयर से काम चल जाएगा, मैं भी सिंगल लेयर ही डाल रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर चेडर चीज़ का स्लाइस इस्तेमाल किया है और मैं एंड दिस इज इट, ठीक है जनाब। इस तरह बनाते हैं सारे और उसके बाद एंड में दोबारा से इनको हम लोग हल्का सा ग्रिल करेंगे ताकि जो चीज़ है वो हल्की सी मेल्ट हो जाए जी। तो जनाब ये देखिए हमने सारे बर्गर्स को अच्छे से असेंबल कर लिया और अब सिंपल मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए ना इनको ग्रिल कर लेना है। अच्छा, सेम ही ग्रिल पैन मैंने इस्तेमाल किया, इसी में मैंने अपने पैटी बनाए थे और इसी में ही मैंने जो बन का इनर पार्ट है वो ग्रिल किया था और इसी में ही मैं इसका आउटर पार्ट क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। सेम ग्रिल पैन इस्तेमाल करें, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे करने की, क्योंकि इसी में ही जो है वो सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं। अच्छे से आपका पैन गर्म होना चाहिए क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम इसको नहीं करना है, ठीक है। दिस इज़ डन, बस सिर्फ इतना ही हमने इसको करना है, ज़्यादा हमने इसको नहीं करना है क्योंकि हमारी हर चीज़ जो है वो फ्रेश है, गर्म है, तो ज़्यादा टाइम जो है वो इसने लेना ही नहीं है। जो बाकी के हैं मैं वो भी कर लेती हूँ और उसके बाद इसको हम लोग सर्व करते हैं जल्दी से जी। तो जनाब लीजिए, हाजिर हैं हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल के हम बर्गर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, गर्मा गर्म, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं और मैंने एक यहाँ पर हाफ भी कर लिया है ताकि मैं आपको अंदर से जो है वो इसका दिखा सकूँ टेक्स्चर कि ये कितना ज़्यादा यमी जूसी लग रहा है।
और इसको आपने ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है सिंगल सर्विंग में, या फिर आप इसको एज अ फैमिली के लिए आप पूरा प्लेटर भी रख सकते हैं। मैंने साथ में इसके कोल्सलॉ भी बना लिया था थोड़ा, ठीक है। तो आई होप यू लाइक टुडेज रेसिपी, इसको आपने ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि फर्दर आप लोगों को और क्या देखना है। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दुआओं में याद रखें। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।